मेरा दीदी 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 हमने आपको बहुत मिस किया। कैसे हो तुम लोग? इस्मो बेबी, तुमने दीदी को मिस किया? हाँ, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सब ठीक है। हाँ दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। खा भी नहीं रहे क्या? हाँ पतले हो गए हो, अब तुम लोगों को अपना ख्याल खुद रखना होगा। ऐसी बात नहीं है, ये पूरा दिन खाता है, बस पता नहीं कैसे पूरा का पूरा हजम कर लेता है। मैं जानती हूँ सच क्या है, आप सुनो, जब तक मैं वापस नहीं आती हूँ तुम लोगों को अपना ख्याल रखना होगा। ठीक है। और तुम, वेट और कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैं क्या करूँ? आओ बैठते हैं। सरप्राइज, ये तो केक है। हाँ, और गेस करो ये किस लिए है। ये किस लिए? देख क्या रहे हो तुम, अपना बर्थडे भूल गए? ओ, मैं तो भूल ही गया था। आज मैं 18 का हो गया हूँ। ये लड़का भी ना, क्या लड़का है ये, अपना ही बर्थडे याद नहीं है। भूल ही गया था। आज अब सेलिब्रेट करते हैं। चलो केक कटो। चलो इसे फूको और एक विश मांगो। ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बात है, आसिम भी पकड़ा गया। मैं जानती हूँ कि तुम अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। वादा करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। आओ बैठो। इस्मो, इधर आ जाओ। वैसे हमारी दादी के क्या हालचाल है? वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और पापा भी बिल्कुल ठीक है। और तिलय? हाँ वो भी तो ठीक है, उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है, दरवाजे से ले लीजिएगा। वो प्रेग्नेंट है तो उसे ये सब करने की क्या जरूरत है? हम कहते रहते हैं पर वो मानती ही नहीं। वो कहती है कि वो तभी खाएंगी जब आप खाएंगी। बहुत याद आती है सबकी। इस्मो तुम खाओगे? लाइए, मुझे दीजिए। रुको, इससे पहले मैं भूल जाऊं। ये देखो, इस पर नाम लिखा हुआ है, ये बरेस का, ये तुलय का। और ये उन्होंने भेजा है। हाँ। अच्छा, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? रोज जाते हो ना? हाँ मैं रोज जाता हूँ। आप तो जानती हैं ना, सब कुछ नॉर्मल है, कॉलेज और स्कूल में कोई फर्क नहीं है। हाँ ये सही कह रहा है, घर पे बहुत शो ऑफ करता है ये। शो ऑफ तो करेगा ही ना, शहर की बेस्ट यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप जो मिली है, शो ऑफ करना तो बनता है। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और मुझे छोड़िए, असली शो ऑफ तो फीको है, सेकेंडरी स्कूल में है, पर कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। पागल, मैं बड़ा हो गया हूँ, पहले की तरह बच्चा नहीं रहा, देखो बड़ा हो गया हूँ, देखो। हाँ तुम सही कह रहे हो। यार तुम सिक्स्थ में हो, मैं सेवन्थ में हूँ, जब सेवन्थ में आ जाओ तब मुझसे बात करना। पर अब भी तुम लोग बच्चे ही हो, इसलिए रहमत भाई जो भी कहेंगे उनकी बात को हमेशा माना, ठीक है ना? हाँ ठीक है दीदी। बरिस कैसा है, वो ठीक है ना? वो उसने मेरे नए वकील से जाकर बात करी क्या? हाँ कर ली होगी ना। क्या कुछ हुआ है, वो तुम लोगों से मिलता है? हाँ हाँ वो हमसे मिलने आते रहते हैं, लेकिन वो आजकल बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं ना, इसलिए वो आपके केस से पहले कुछ ढूंढना चाहते हैं, इसलिए नहीं मिल पा रहे हैं, बस और तो कोई वजह नहीं है। वो बस इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि आप बाहर आ जाएं। उससे कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी यहाँ सब कुछ मिलता है, तो वो मेरी फिक्र ना करे। ठीक है। अरे क्या अभिना, आपने इस पागल के लिए केक बनाया? चलो दीदी, अगर इन लोग मुझे भी अपना फोन लाने देते तो हम लोग सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम पर डाल देते। तुम्हारा फोन? दरअसल दीदी वो स्कूल में आजकल यही सब तो सिखाते हैं। हाँ, टीनेजर्स को। पर मैं अभी टीनेजर नहीं, आप टीनेजर। दिमाग खराब है क्या? अब मैं 18 साल का हो गया हूँ, अब मैं टीनेजर नहीं रहा। गुस्से में भी तुम बच्चे ही लगते हो। उम्र के साथ तेरा दिमाग नहीं बढ़ा? ए मार क्यों रहे हो यार, आप भी तो मुझे दिन भर मारते रहते हो। मिलने का समय खत्म हो चुका है। इतनी जल्दी? अभी तो बात करनी शुरू की थी। हाँ पर अब मुझे जाना होगा। हाँ तो चलो फिर। इस्मो चलो अपनी दीदी को एक किस दो। दीदी देखो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम रोना बंद करो।
ठीक है, अब जाने से पहले कोई भी मत रोना, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा दीदी। हाँ, और अगले महीने ओपन विजिट है तो तुम लोग आ जाना। अच्छा, वो लेटर अपना क्या लगे? मुझे दे दो मेरा बेबी इस्मो, दीदी से मिलने दोबारा आओगे ना? चलो आराम से जाना, ठीक है? बाय करो, अपना ख्याल रखना और मेरी फिक्र मत करना। दीदी दीदी बच्चों से मिलकर यही होता है, तुम्हें खुद को संभालना होगा। जब उन्हें जाता देखती हूँ तो इन आंसुओं को रोक ही नहीं पाती। परेशान मत हो, ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुमने सही कहा, ऊपर वाले का शुक्र है। चलो अब आंसू पोछो, देखो ना मुझसे मिलने कोई भी नहीं आता, और तुम्हें तो ये खत भी मिला है। अच्छे से जानते हो तुम इन्हें हजारों बार पढ़ोगी। सब ठीक हो जाएगा,